सब्सक्राइब कीजिए तोशिन टेक चैनल को और साथ ही इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए नई वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी J7 डुओ के लिए जो है एक अपडेट रिलीज़ कर दिया है। तो यहाँ पर जो अपडेट की साइज़ है वो 480 MB की है और इस अपडेट में जो है दोस्तों आपको AR इमोजी का फीचर भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो सैमसंग गैलेक्सी J7 डुओ है वो सैमसंग का फर्स्ट बजट स्मार्टफोन है जिसको कि AR इमोजी का फीचर सैमसंग ने ऑफिशियली रिलीज़ कर दिया है। दोस्तों अब आई होप कि हमें आगे भी किसी सैमसंग के बजट स्मार्टफोन या मिड रेंज स्मार्टफोन में AR इमोजी का फीचर हो सकता है किसी और फ़ोन में भी देखने को मिले। फिलहाल ये तो अभी कंफर्म नहीं है कि सैमसंग और आगे किन फ़ोन्स को जो है ये फीचर और अपडेट के ज़रिए देने वाला है। तो यहाँ पर जो है सैमसंग गैलेक्सी J7 डुओ के लिए तो एक अच्छी बात है कि आपको इस फ़ोन में एक अपडेट के ज़रिए AR इमोजी का फीचर मिल गया है जो कि हमें सारे सैमसंग के फ्लैगशिप डिवाइसेस में ही देखने को मिलता था। तो यहाँ पर एक अच्छी बात है कि आपको इस अपडेट के ज़रिए जो है AR इमोजी का अपडेट भी देखने को मिला। तो दोस्तों अगर बात करते हैं यहाँ पर इस अपडेट में सिक्योरिटी पैच लेवल की, तो यहाँ पर आपको 1 नवंबर 2018 का सिक्योरिटी पैच लेवल भी देखने को मिलेगा इस अपडेट में और साथ ही आपको AR इमोजी का फीचर देखने को मिलेगा और साथ ही कुछ इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आपके पास है सैमसंग गैलेक्सी J7 डुओ और अभी तक आपने अपने डिवाइस को अपडेट नहीं किया है तो आप सॉफ्टवेयर अपडेट सेक्शन में जाके अपने फ़ोन को अपडेट कर लीजिए। दोस्तों अपडेट करने के बाद में आप इस फीचर को यूज़ कीजिए और यूज़ करने के बाद में आप देखिए कि वहाँ पर आपको कोई बग्स तो नहीं है, मतलब आपको प्रॉपरली ये फीचर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। और ये जो J7 डुओ है वो सैमसंग का फर्स्ट बजट स्मार्टफोन बन गया है जिसको कि जो है AR इमोजी का फीचर सैमसंग ने ऑफिशियली रिलीज़ कर दिया है। दोस्तों आई होप कि हमें आगे भी सैमसंग के बजट स्मार्टफोन में या फिर मिड रेंज स्मार्टफोन्स में इस तरह के सैमसंग के कुछ फीचर जो है सैमसंग आगे भी किसी अपडेट के ज़रिए हमें रिलीज़ कर दें और प्रोवाइड कर दें। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। तो चलिए मिलते हैं आगे किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।